हेलो फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ की रोटी सब्जी से अगर आप लोग भी बोर हो जाते हैं तो आज ये मसाला पाव बना के देखें, संडे स्पेशल। आज हम लोग मसाला पाव बनाएंगे। इसके लिए मैंने बटर ले लिया है। अब बटर को हम लोग कढ़ाई में डालेंगे। पचास ग्राम बटर है ये, क्योंकि मैं मसाला पाव ज़्यादा बना रही हूँ। चार पैकेट पूरा पाव को बना रही हूँ मैं, पूरी फैमिली के लिए, तो इसलिए बटर ज़्यादा लगेगा। इसमें पूरा प्याज को भी भूनना है, इसलिए बटर ज़्यादा लगेगा। इसमें प्याज मैंने इधर मैंने ढेर सारी प्याज को बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा से तीन शिमला मिर्च को कट कर लिया है। उसके बाद मैं अभी टमाटर कट करूंगी। बटर हमारी मेल्ट हो गई है। मैं प्याज को डाल दूंगी, पूरा प्याज को नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बचाना है गार्निशिंग के लिए। इसमें अभी ढेर सारा टमाटर भी जाएगा, शिमला मिर्च भी जाएगा। इतना प्याज को मैंने बचा लिया है। थोड़ी देर इसे भूनेंगे, तब तक मैं टमाटर कट करती हूँ। इसे फुल आंच में, गैस की फ्लेम फुल रहेगी, इसे भूनने दें। अब हम लोग इसमें हरी मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च जो मैंने कट करके रखा था। हरी मिर्च मैंने एक ही ली है, तीन शिमला मिर्च है, इसे डाल देंगे। अभी मैं इसमें मिर्च बस डालूंगी, प्याज थोड़ा सा भून जाएगा ना, तब शिमला मिर्च डालूंगी। पकने देंगे इसे फुल फ्लेम में। अभी इसमें मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी, तीन शिमला मिर्च है, पूरा को डाल दूंगी। अभी इसे भी पकने देंगे। फ्लेम मैंने कम नहीं किया है, गैस की फ्लेम को कम रखूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। फुल फ्लेम में ही बना रही हूँ, बस बीच इसमें हिलाते रहें, इसे चिपकने ना दें। बटर डाला है ना, इसमें ऑयल नहीं डाला है तो चिपकता बहुत है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो मैं टमाटर कट करूँगी। टमाटर मैंने बारीक बारीक कट कर ली है। ये प्याज और शिमला मिर्च हमारे अच्छे से भून रहे हैं। इसमें अदरक और लहसुन भी डालना था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब्जी में ठीक लगता है हर चीज़ में डालना, इसीलिए मैं एकदम थोड़ा सा ले ली हूँ। एकदम एक टुकड़ा अदरक है छोटा सा, और एक ही लहसुन लिया है। इसको कुचल के डाल दूँगी, इससे थोड़ा टेस्ट उसका अच्छा आएगा। अदरक लहसुन से टेस्ट अच्छा आता है। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन। शिमला मिर्च डाले थे ना उसी टाइम पर, थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं एकदम थोड़ा सा इसमें डालूंगी टेस्ट के लिए। ये टमाटर के साथ भून जाएगा, इसका कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा देर से भून लेंगे गैस की फ्लेम फुल में ही। थोड़ी देर से भून के फिर टमाटर डालेंगे। अब इसमें टमाटर डालूंगी। दो तीन मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन के भूनते, अब टमाटर डाल लूंगी। पहले आधा टमाटर डाल के मिक्स करूंगी। ठीक है, टमाटर इतना परफेक्ट है, इतना ही डालूंगी। ये देखिए मेरे इतने टमाटर बचे हुए हैं। टमाटर मैंने 8 से 10 लिया था, उसमें का इतना, ये 4 टमाटर होगा, इतना बचा लिया है मैंने। 6 टमाटर मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। फुल फ्लेम में अच्छे से इसे भून ले पूरा, और अच्छे से पकाते रहें। काफ़ी समय लग जाता है इस मसाले को बनाने में। ढेर सारा मैंने प्याज टमाटर कट किया था ना, तो पूरा कचरा हो गया था, उसको साफ करने गई तो ये नीचे से चिपक गया है। मैं कढ़ाई चेंज कर लूँगी। कढ़ाई चेंज कर रही हूँ मैं।
ये देखिए इसमें पूरा चिपक गया है। बटर में ना हमको लगातार चलाना पड़ता है चम्मच, नहीं तो ऐसे ही होता है, चिपक जाता है। कढ़ाई मैंने चेंज कर दी है, अब इसे गर्म होने देंगे, तब तक मैं इसके मसाले तैयार कर लूंगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए मैं इसमें इतना डाल रही हूँ, अगर आप लोग तेज खाते होंगे तो थोड़ा ज्यादा डाल लें। हरी मिर्च को भी आप लोग ज्यादा डाल सकते हैं, मैंने एक ही डाला था क्योंकि मेरे यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा मिर्च नहीं खा पाते हैं। मैंने इसमें डाला नमक मिर्च, अब डालूंगी पाव भाजी मसाला, ये डालूंगी अब मैं इसमें। ये गया इसमें एक चम्मच और डालूंगी। ये देखिए एक चम्मच डाला, एक चम्मच 1/4 टीस्पून डाला। अब इसमें मैं एकदम थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डाल के इसे मिला लेंगे। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे गिलास की सहायता से। एकदम हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला बन चुका है, अब इसमें हम ढेर सारी धनिया की पत्ती डालेंगे। अब इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दी है, अब ये बन चुका है। अब इसे दूसरे बर्तन में डाल के हम लोग इसमें नींबू का रस डालेंगे, पूरा एक नींबू का रस डाल लेंगे इसमें। नींबू के रस से बढ़िया चटपटा टेस्ट आता है। इस बर्तन में नहीं डालूंगी, ये लोहे का है इसलिए। अब इसमें नींबू का रस डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी पाव ब्रेड के साथ कैसे सर्व करते हैं। ये हमारा मसाला बन चुका है, अब मैंने तवा चढ़ा दिया है, इसमें मैंने रखा बटर। अब इसे हम मेल्ट होने देंगे, पाव को मेल्ट हो रहा है तब तक हम लोग पाव ब्रेड ले लेंगे। मैंने पाव ब्रेड ले लिया है, अब इसे हम लोग ऐसे साइड से कट करेंगे, ऐसे है इसको ऐसे साइड से कट करेंगे। नीचे से मैंने हल्का हल्का छोड़ दिया है इसे, ये देखिए इसे भी ऐसे ही कट कर लेंगे। अब मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है, इसे मैं तवे पे डालूंगी। अब इसमें जाएगा हमारा पाव, इस तरफ से भी बटर लगाऊंगी। अब इसे सेक लूंगी। अब इसे मैंने ऐसे जोड़ लिया है सेंक के वापस में, अब इसे रखूंगी और दूसरा ब्रेड भी सेक लूंगी। दूसरा ब्रेड भी मैं उसी तरीके से सेक लूंगी, नीचे सेकने दूंगी फिर इसे पलटी करूंगी। बटर आप लोग अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालें, अगर नहीं खाते ज़्यादा तो कम डालें। हल्की हल्की बटर में भी इसे सेक सकते हैं। अब इसे फिर से ऐसे जोड़ लूंगी मैं, अब इसे हम सर्व करेंगे। अब इसमें हम लोग ये ब्रेड रखेंगे पाव ब्रेड। अब हमने जो धनिया लिया था ना, धनिया मैंने और काट लिया है, और प्याज जो बचा था वो, और नींबू काट लिया है इस तरीके से। अब हम लोग ऐसे ही इसे सर्व करते हैं। इधर इस तरफ लेंगे प्याज, इसमें मिक्स करेंगे धनिया की पत्ती, इसमें हम लोग रखेंगे नींबू के स्लाइसेस, और ये हमारा मसाला।
मसाला हम लोग इसमें भी भर देंगे। ये देखिए इसमें भी हमने अच्छे से मसाला भरा है, सर्व भी कर दिया है, किसी को और चाहिए तो ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे ये देखिए हमारा मसाला पाव रेडी है।